हेलो गुरुकुलियंस, आई सोनिया शर्मा इज अगेन विद यू फ्रॉम द मैथ्स डिपार्टमेंट. ओके, टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर ऑफ दिस क्लास 7, दैट इज एक्सपोनेंट्स और पार्ट्स. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. बिफोर मूविंग अहेड, फर्स्टली बेसिक ऑफ द चैप्टर शुड बी क्लियर टू अस. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंट्स, पार्ट्स? व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ पार्ट्स? ताकत, किसी चीज को बढ़ाना, पार को बढ़ाना, ठीक है, दैट इज नोन एज पार्ट्स. ओके, जस्ट आई एम राइटिंग 2 raised to power 3. इट मीन्स दैट कि मैंने 2 की पार कितने गुना कर दी? 3 गुना कर दी. सो आई एम मल्टीप्लाइंग 2 3 times. आई एम मल्टीप्लाइंग 2 3 times. ओके, 2 into 2 into 2, इट मीन्स दैट इट इज 2 raised to power 3. हेयर बेस इज 2. ओके, एंड पार इज और एक्सपोनेंट इज 3. Base is 2 and exponent is 3. It means that how many times we are multiplying 2, that is known as its number of exponent. Okay, I am multiplying 2 3 times. So, it will be read as 2 raised to power 3. 2 raised to power 3. हम उसको कितने गुना multiply करते हैं? Clear? एक दो sums करते हैं इसके regarding. Write the base and exponent of the following. Exponent of the following. मेरे पास statement है -5 raised to power 4. Second part है 7/3 raised to power 8. इसमें बेटा बेस देखिए क्या है, -4. क्यों? बिकॉज माइनस की पार भी 4 है. माइनस को भी हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 को भी हमने 4 टाइम्स करना है. तो अगर ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पार बेस क्या आ गया, -5. तो इसकी पार क्या आ गई, 4. और यहां पे देखिए बेटा, बेस 7 की पार भी 8 है, 3 की पार भी 8 है, तो फुल 7/3 और पार क्या आ गई, 8. क्लियर? दिस इज द वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम्स. एक सम और देखते हैं, एक्सप्रेस इन द पार नोटेशन. अब हमारे पास स्टेटमेंट दी थी, उसमें मैंने आपको बेस और पावर बताया. अब हमारे पास सम है कि उसको पावर नोटेशन में लिखूं. जैसे सिंपली राइट एन पावर नोटेशन. ध्यान से देखिए एक बार, आई हैव अ स्टेटमेंट लाइक दिस, ठीक है, सिंपल सी स्टेटमेंट मैंने ली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे. तो ये 2 कितनी बार आ रहा है, काउंट इट, 1 2 3. कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स. इट विल बी रीड राइट एज 2 raised to power 3. एक सम और देखिए, -7/3 एंड अगेन इट इज द सेम. अब देखिए 7 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स. 3 ऑल्सो 4, माइनस साइन ऑल्सो, मीन्स दैट कि ये फुल इज कमिंग 4 टाइम्स. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -7/3 raised to power 4. ए, मेरे पास कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है. तो इसको राइट इन पावर नोटेशन आ जाए तो भी आपने ऐसे लिखते ना सॉल्व करना है. अगर या इसकी जगह पावर की जगह पे एक्सपोनेंट वर्ड आ जाए तो भी इसी को सम को आपने ऐसे ही सॉल्व करना है. क्लियर है? उसके बाद आगे देखिए, फाइंड द वैल्यू. ये सम क्लियर हो गए. इसके बाद है फाइंड द वैल्यू. किसी वैल्यू का मतलब क्या होता है, उसको सिंप्लीफाई करना, उसको सॉल्व करना प्रॉपरली. क्लियर है? क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू. अब मेरे पास क्वेश्चन देखिए, इसका 2 raised to power 3 ये मैंने लिख लिया. इसको सॉल्व करो या आपको आ सकता है सिंप्लीफाई. इसकी जगह सिंप्लीफाई भी लिखा हो तो इट विल बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8.
माइनस फाइव रेज टू पावर थ्री, तो ये माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस फाइव, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव ज़ा वन ट्वेंटी फाइव, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। इस चीज को करने का एक और ट्रिक काइंड ऑफ है, आपने क्या करना है, माइनस का साइन काउंट कर लेने हैं, वन टू थ्री, हाउ मेनी टाइम्स इट इज अकरिंग, थ्री टाइम्स। इफ द नंबर ऑफ माइनस साइन, अगर नेगेटिव साइन का नंबर ऑड है तो आंसर विल बी नेगेटिव, अगर माइनस के साइन का आंसर पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव है, इवन है, सॉरी इवन है, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। एक बार दोबारा, अगर इसको काउंट कीजिए, थ्री है, थ्री इज ऑड, तो आंसर विल बी नेगेटिव। अगर इसके जगह चार बार हो जाता है, ये माइनस फाइव एक और आ जाता है मेरे पास, तो ये क्या बन जाना था, 625, एट दैट टाइम आंसर इज पॉजिटिव, वन टू थ्री फोर। मीन्स दैट बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको पता ही नहीं लगता कि आंसर नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आया, सो इन दैट वे इट इज अ ट्रिक, उस केस में ये एक ट्रिक है कि हमने माइनस के साइन को काउंट कर लेना है। इफ इट इज अकरिंग इवन नंबर ऑफ टाइम्स आंसर विल बी पॉजिटिव, इफ इट इज अकरिंग नेगेटिव ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आंसर विल बी नेगेटिव। क्लियर। इसके बाद हम लोग इसके लॉज करते हैं एक्सपोनेंट और पार्स के, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग में आपको साथ साथ में सम्स भी करवाऊंगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन पॉजिटिव मैनर। फर्स्ट लॉ है, इफ एक्स इज एनी रियल नंबर, एक्स मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, एंड ए एंड बी आर ऑल्सो रियल नंबर, क्योंकि हमारी पार रैशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, वो आपके कंसेप्चुअल मैनर पे डिपेंड करता है। क्लियर। एक्स रेज टू पार ए, x रेज टू पार बी इज इक्वल टू x रेज टू पार ए प्लस बी। इसको ध्यान से समझिए, इसको जनरल लैंग्वेज में कैसे पढ़ते हैं, व्हेन बेसिस आर सेम, व्हेन बेसिस आर सेम विद द डिफरेंट पार्ट्स एंड साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, देन पार्ट्स विल बी एडेड, देन पार्ट्स विल बी एडेड। एक बार सम करके देखिए, टू रेज टू पार फोर, टू रेज टू पार थ्री, इस सम को हमने कैसे करना है, बेस 2 है, 4 प्लस 3, 2 रेज टू पावर 7, क्लियर है, और इसके अंदर a रेज टू, x रेज टू पावर a, x रेज टू पावर b इज इक्वल टू, ये वाला लॉ मैंने लगाया, क्लियर है। एक और एग्जांपल करते हैं इसके रिगार्डिंग भी, एग्जांपल 5 रेज टू पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 6, इस सम को कैसे सॉल्व करना। अब बेटा बेसिस देखिए, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेस को लिख के पावर्स को ऐड कर देना है, 5 रेज टू पावर माइनस 2, 5 रेज टू पावर माइनस 2। और इसको भी सॉल्व करने के लिए, नेगेटिव पावर जब ऊपर है उसको भी सॉल्व करने के लिए एक लॉ है, बट आफ्टर few laws I will explain you that also, clear? Shall I move to the second law? Okay. Law 2. If x is any real number and a, b are also real number, अगर यहाँ पे divide का sign है, अगर यहाँ पे divide का sign है, तो powers will be negative. तो restriction क्या आ जाती है? A should be greater than b. ठीक है? और ये compulsion नहीं है. अगर a मेरा नेगेटिव बी होगा, ए इज लेस देन बी होगा, तो भी आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो भी आपको फर्दर सॉल्व करना सिखाया जाएगा। क्लियर। मैं एग्जांपल्स लेके सॉल्व कर रही हूं, टू रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय टू रेज टू पावर 6, टू रेज टू पावर 8 माइनस 6, टू रेज टू पावर 2। तो लॉ मैंने किस चीज का किया, डिवीजन वाला लॉ मैंने किस चीज का यूज किया, डिवीजन वाला, और साइन क्या आया, नेगेटिव। ठीक है, 8 माइनस 6 दैट इज 2, फाइन बेटा। एक और एग्जांपल करते हैं इसी लॉ से रिलेटेड, माइनस 7 बाय 8 रेज टू पावर 5
डिवाइड बाय माइनस 7/8 रेस टू पार 3, माइनस 7/8 5 माइनस 3 माइनस 7/8 रेस टू पार 2. क्लियर? आई होप बोथ द लॉज आर क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ. If law 3, if x and a are real numbers, x raised to power minus a is equal to 1 upon x raised to power a. Means that कि अगर power negative में है, अगर किसी real number की power negative में है, तो reciprocal होते time वो power positive हो जाती है. Examples अच्छी तरह समझते हैं. 5 raised to power minus 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 upon 5 square. ठीक है, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 upon 5 square means 5 multiply 5. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 upon 25. क्लियर है? एक और एग्जांपल से देखते हैं. minus 7/5 raised to power minus 2. ठीक है बेटा, अब इसको मैंने रेसिप इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किया, 1 अपॉन माइनस 2. ठीक है बेटा, अब ये टर्म दो, मेरे पास फ्रैक्शन के साइन दो आ गए, तो ये टर्म क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल. ये बन जाएगी 5/-7 रेस टू पार 2, 25/49. क्लियर है? 5 multiply 5, 7 multiply 7, 5 5s are 25, 7 7s are 49. क्लियर है बेटा? दिस इज द थर्ड लॉ. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ. इफ एक्स एंड लॉ नंबर 4, इफ एक्स ए बी आर रियल नंबर्स, ठीक है, एक्स रेस टू बार ए मीन्स दैट एक्स एक रियल नंबर है. ठीक है, आपके चैप्टर में उन्होंने रैशनल नंबर वर्ड दिया, बट जो फंडामेंटल चीज़ें आती हैं वो रियल नंबर पे प्ले होती हैं. ठीक है, तो ए और बी है मेरे पास, ए और बी भी कोई रियल नंबर है. वो रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो जब पावर्स को पावर्स बाहर ब्रैकेट के भी पावर है, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. देखिए एग्जांपल्स के थ्रू, एग्जांपल 5 raised to power 2 into 5, ये 5 है, तो ये आपस में क्या होनी है मल्टीप्लाई, 2 into 5, तो ये क्या बन गया 5 raised to power 10. क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं. -5/7² raised to power 3. ठीक, हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में पार्ट्स को क्या कर देना है मल्टीप्लाई. -7/5 raised to power 6. क्लियर? ये दोनों, ये लॉज क्लियर है दोनों एग्जांपल्स के हिसाब से. ठीक है, तो जब भी दो पावर्स हों तो हमने पावर्स को क्या कर देना है मल्टीप्लाई आपस में. क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट लॉ, लॉ नंबर 5. इफ एक्स वाई एंड ए आर रियल नंबर, तब देखिए बेटा चीज़ें कैसे सॉल्व होती हैं. मतलब कि मेरे पास रियल नंबर्स हैं ये, ठीक है, x की पावर a है, ठीक है, उसके बाद y की पावर a है मेरे पास. जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो x y आपस में मल्टीप्लाई होके इनकी कॉमन पावर लिख देते हैं. एक बार देखते हैं एग्जांपल से. 2 raised to power 3, 3 raised to power 3, मेरे पास ये सामना. तो इस केस में क्या करूंगी मैं,
बेसिस डिफरेंट हैं, बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ और उनकी कॉमन पावर लिख रही हूँ। 3 2 6, तो ये क्या बन जाएगा, 6 raised to power 3। ठीक है, हमने क्या किया, अगर हमारे बेसिस डिफरेंट हैं, पार सेम है, तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऐसा ही ये सम डिवीजन के केस में भी हो सकता है कि अगर a रेज टू पार x रेज टू पार 8 है, डिवाइड y रेज टू पार a है, तो x अपॉन y रेज टू पार a, ऐसा ही ये इसके केस में भी हो सकता है। क्लियर है, इसकी भी एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। ये हमारा आ गया था लॉ नंबर 6। ठीक है, जैसे मेरे पास देखिए एक बार, टू रेज टू पार 3 डिवाइड बाय 5 रेज टू पार 3, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, 2/5 रेज टू पार 3। अगर उन्होंने आपको सिंप्लीफाई के लिए बोला है तो ये बन जाएगा 8/125। क्लियर है, इसको आपने बस एक्सपोनेंट या सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड करने का इसमें नहीं है। सिंपली या तो हमने सिंप्लीफिकेशन में रखनी है अपना आंसर, या हमने अपना आंसर रेज टू पार में रखना है। क्लियर है, दिस इज द नेक्स्ट लॉ। आई एम रेजिंग द बोर्ड नाउ, लॉ नंबर 7। इफ एक्स इज एनी रियल नंबर, If x is any real number, then x raised to power 0 is always 1. कोई भी नंबर चाहे वो जितना मर्जी बड़ा है, तो वेन एवर इट्स पार रेज टू पार 0, आंसर ऑलवेज बी 1. आइदर आई एम राइटिंग 1000 रेज टू पार 1, इट इज ऑलवेज 1. आइदर आई एम राइटिंग x raised to power 0, देन इट इज 1. आइदर आई एम राइटिंग दिस रेज टू पार 0, एक्स वाई रेज टू पार 0, दैट इज 1. एग्जाम्पल से करवा रही हूं मैं आपको, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर रेज टू पार 0. वन स्क्वायर वन मल्टीप्लाई वन टू सॉरी वन मल्टीप्लाई वन वन, टू स्क्वायर दैट इज 4 रेज टू पार 0. वन प्लस 4 दैट इज 5, 5 रेज टू पार 0 दैट इज 1. Clear? Now we will do few more examples so that we can get the things in proper manner. I have a book and I am solving few example. Compare 5 square and 2 square. Compare करना है कि which one is greater? Compare का मतलब क्या होता है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? If we are going to compare the things, firstly we have to simplify the things. 5 squares, 5 multiply 5, that is 25. 2 raised to power 5, we will multiply 2 5 times, that is 32. Now we have to compare. One side I have 25, one side I have 32. Which one is greater? It is understood that 32 is greater. So write the answer in statement form, which would be greater, 2 raised to power 5. This would be greater. Clear? I am erasing the board now. Let's we move to the next example. Express 625 into 10,000 in power notation. ठीक है बेटा, देखिए 625 कैन बी रिटन एज 5 रेज टू पावर 4. वेन एवर वी आर मल्टीप्लाइंग 5 4 टाइम्स देन वी विल गेट 625. 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 5s are 625. क्लियर, एंड व्हेन नाउ 10,000 इट इज 10 रेज टू पावर 4. Whenever we are multiplying 10 4 times, we will get 10,000. Now, what to do? 625 into 10,000. It can be written as 5 raised to power 4.
इट कैन बी रिटन एज 10^4. देन आई टोल्ड यू अ लॉ, वेन एवर बेसिस आर डिफरेंट विद द सेम पार्ट्स, बेसिस वुड बी मल्टीप्लाइड विद द कॉमन पार्ट. इट वुड बी 50^4. इट वुड बी 50^4. ओके, वन मोर एग्जाम्पल रिलेटेड टू द सेम कंटेंट. x by 5 is equal to 3/7 divided by 3/7 - 2. Clear? Now then find x by y square. Firstly, beta, what we have to do? Firstly, we have to solve x by y properly because it is in the form of the power notation. As it will be sorted out first, then after doing squaring, we will find out the appropriate answer. Okay? X by y, 3/7. I am writing the power separately. Okay? Firstly, power is in negative form and it would be reciprocal. ये हमने लॉ कौन सा किया था, यहाँ पे साइड में लॉ भी लिखते हैं सो दैट टीचर और टू होम यू आर एक्सप्लेनिंग दे विल अंडरस्टैंड द थिंग्स इन बेटर वे. इट इज x^-8, क्लियर है? पास अपॉन में आ जाते हैं. अब ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वेन एवर वी आर चेंजिंग द साइन ऑफ डिवीजन इन टू मल्टीप्लीकेशन द स्टेटमेंट अगेन विल बी चेंज रेसिप्रोकल. ठीक है, इन न्यूमिनेटर बेसिस आर सेम, पार्ट्स विल बी एडेड बिकॉज साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज हियर. बेसिस आर सेम, पार्ट्स विल बी एडेड बिकॉज अगेन मल्टीप्लिकेशन साइन इज देयर विद द टर्म्स. एक्स अपॉन वाई 3^3 + 2, 7^3 + 2, इट वुड बी 3/7^5. क्लियर? 3+2 = 5. क्लियर बेटा? होप सो. वट एवर आई टोल्ड यू दैट इज क्लियर टू यू. इफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, यू कैन व्हाट्सएप मी और सेंड मी एनी काइंड ऑफ मैसेज. ओके, हैव अ नाइस डे.